हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज़। मध्य प्रदेश में जल्द ही नई किसान योजना बनाई जाएगी। इसके बाद किसानों को जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं होगी। प्रधानमंत्री से बात कर सभी तरह की सब्सिडी सीधे किसान के खाते में पहुंचाने का अनुरोध करूंगा। ये बात शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम किसान कल्याण योजना का शुभारंभ करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कोई भी किसान अपनी मर्जी से अब अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। उसे मंडी में ट्रैक्टर तक ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर उसे कहीं उचित दाम नहीं मिल रहा है तो सरकार उसकी फसल खरीद ही रही है। प्रधानमंत्री ने किसानों को उनका हक दिया है, ऐसे में दूसरे लोगों को तकलीफ है क्योंकि किसानों को आत्मनिर्भर नहीं होने देना चाहते हैं। शिवराज ने मुख्यमंत्री कल्याण योजना के तहत किसानों के खाते में ऑनलाइन रुपए जमा किए। 77 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। शुक्रवार को भी 5 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में पैसे गए। इस दौरान उन्होंने किसानों से भी बात की। किसानों ने कहा प्रधानमंत्री के 6000 और सीएम से 4000 मिलने से बड़ी मदद मिलेगी। जरूरत होने पर किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा। सीएम ने बताया कि नए बिल से किसानों को लाभ होगा। किसानों के लिए सीमांक ऐप का शुभारंभ किया गया। इसमें किसानों की जमीन से संबंधित सभी जानकारियां शामिल हैं। शिवराज ने कहा किसान फसल बीमा से लेकर खाद, नलको, पॉलीहाउस, वेयर हाउस और पशु समेत किसानों के लिए अन्य तरह की योजनाएं कंपनी के माध्यम से किसानों तक पहुंचाई जाती हैं। इन सब की सब्सिडी तय कर लेते हैं और उसे बांटकर किसानों के खाते में सीधे डाल देते हैं। कंपनी छोड़ो और किसान के खाते में अब पैसा डाल दो। सीएम ने कहा कि इस संबंध में प्रधानमंत्री से बात करूंगा। अगर तय हो गया तो किसान और सरकार सीधे जुड़ जाएंगे। शिवराज ने कहा कि नए बिल में ये है कि अगर मंडी में बेचना है तो मंडी में बेचो, मंडी बंद नहीं होगी और मंडियां बनाएंगे। लेकिन अगर कोई मेरी फसल खेत से ही खरीद ले जाए, अच्छे दाम भी दे तो बुराई क्या है? सिर्फ विरोध की राजनीति नहीं होना चाहिए। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।